भारत भूमि के प्रजातंत्र के जनगण को वंदन देश के जनगण को वंदन अलग सुमती माला ने कर आज करे पूजन आज करे पूजन शाम तुम्हारी काया काया विशाल तुम्हारी काया और उदार तुम्हारी माया और उदार तुम्हारी माया के तुम दूर करो अज्ञान हमारा प्रज्वलित कर दो मन जल जल प्रज्वलित कर दो मन जल कुसुम की माला ले कर आज करे पूजन आज करे पूजन साहब आप चिंता मत कीजिए मैं अभी जाकर देख के आता हूँ ग्वालने आ गई या नहीं। अरे वाह ग्वालने तो आ गई। दरोगा साहब ग्वालने आ गई। दरोगा साहब आ अरे ओ दरोगा साहब आप उधर क्या कर रहे हैं इधर आइए। अरे अरे उनके साथ वो मौसी है ना तो क्या हो गया। ये कोई मेरे बाप का राज है क्या? आ? मौसी माने कोई भोली भाली ग्वालन नहीं है वो तो तोप है तोप। हाँ तो तोप की डर से आपकी टांगे कांप रही है। दरोगा साहब ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा मैं जाकर देख के आता हूँ मौसी को। ये स्टॉप के बच्चे अकल के कच्चे। मौसी को स्टॉप करने वाला तू कौन है रे? कौन से खेत की मूली है? मूली अभी बताता हूँ दरोगा। अरे दरोगा साहब आ अरे उधर क्या कर रहे इधर आइए। नमस्कार। तुम क्यों नमस्कार करोगे? ए देख क्या रही हो दरोगा साहब को नमस्कार करो। ये है दरोगा। दरोगा साहब है इनके परवानगी के बगैर तुम आगे नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। हाँ हमें जाने भी दो ना दरोगा जी। जाइए ना जाइए ना। अब क्या चाहिए? ए देख क्या रही हो तुम शहर जा रही हो ना हमें भी तो बताइए ऐसा कौन सा जरूरी काम है? हमें दूध बेचने जाना है। दूध बेचने जाना है? हाँ। दूध बेचने का लाइसन है तुम्हारे पास? लाइसन? हाँ। ये कौन सा आसन है? आसन नहीं लाइसन दूध बेचने की परवानगी। हाँ परमिट। हाँ हाँ परमिट। हमें जाने दीजिए देर हो रही है मेरे भैंस बीमार है दूध भी नहीं देती थनों में से खून निकल रहा है। तो कुछ गंडा ताबीज करवाओ नजर उतरवाओ। जा जा तू ही जा गंडा ताबीज करा अपनी शक्ल बदलने के लिए उस ढोंगी महाराज के पास। हम तो जाएंगे डॉक्टर के पास ढोर डंगर यानी कि पशुओं के भी डॉक्टर होते हैं समझे। देखो तुम जाओ लेकिन पहले दरोगा साहब का टैक्स दे दो। कैसा टैक्स? टैक्स हाँ हाँ टैक्स जैसे इनकम टैक्स सेल टैक्स दूध टैक्स। आई बात समझ में? आई सब बात समझ में आई। तो चलो निकालो टैक्स। लड़की हो निकालो अपने अपने जूते चप्पल। ये लोग वैसे जाने नहीं देंगे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ चलो हम खिस सकते हैं। अरे 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 टैक्स तो लेते जाइए। चोर कही के लातों के भूत। राम राम मंडली।
तो आज आपके सामने पेश है वही हमारा बहुत पुराना शानदार खेल दुष्यंत शकुंतला। शकुंतला तुम लोग कौन होते हो फैसला करने वाले? हम जो खेल दिखाएंगे वही तुम्हें देखना पड़ेगा। हाँ क्यों गए घोटाले बराबर लाले आम लोगों का खेल। आम लोगों का खेल बेशरम कहीं का? ये मैं कहाँ से लाऊंगा आम लोगों का खेल? ये कोई आम का मौसम है? नहीं भाई जरा शांति से बैठिए, शांति से बैठिए, शांति से बैठिए। मैं अभी जाता हूँ और ढूंढ के लाता हूँ आम लोगों का खेल, आप लोगों के लिए नया खेल ढूंढ के लाता हूँ। शांति से बैठिए, शांति से बैठिए। चल गए घोटाले, चल मेरे लाले। घोटाले बोल लाले। अरे मैं तो बहुत थक गया यार। अरे मैं भी पक गया। सचमुच ये तो पकने वाली बात है, पकने वाली बात है। आजकल लोगों का मिजाज ही बदल गया है। अरे कहते हैं हमें नया नाटक चाहिए, आम लोगों का नाटक चाहिए। कहां से लाऊं मैं आम आदमी का नाटक? क्यों चिंता कर रहा है लाले? वो देख उधर नहीं फिर इधर आदमी खा रहा है। आदमी खा रहा है? हाँ नहीं नहीं घास खा रहा है। घास खा रहा है? हाँ इसका मतलब जरूर आम आदमी है। हाँ चलो हम उसके पास में जाते हैं। हाँ? चल चलो। जय राम जी की। जय हनुमान जी की। जय राम जी की। आप कौन है? मैं आदमी। आदमी? अरे वो तो देखने से पता चल रहा है, लेकिन कैसे आदमी? अरे जैसा आदमी होता है वैसा आम आदमी। आम आदमी मिल गया घोटाले, हमें हमारा नाटक मिल गया, यानी तमाशा मिल गया। नाटक तमाशा? अरे भाई मैं क्या तमाशा लग रहा हूँ? जाइए भाई अपने रास्ते से जाइए, मुझे अपनी काफी सारी चिंताएं हैं। चिंता? ऐसा कौन सा काम करते हो तुम? अरे भाई मैं गांव में प्रौढ़ शिक्षा का काम करता हूँ। 12 अंबे 5 डजन अंबे 5 डजन अंबे बरोबर कितने अंबे? 7 अंबे 60 चल लिया 60। 1 वर्ष बरोबर कितने महीने? 12 महीने 1 वर्ष बरोबर 12 महीने लिखूं गया। 1 वर्ष बरोबर 12 महीने 100 रुपये अपन कर्ज घेतले रे। किती कर्ज घेतलं? उसमें चिंता की कौन सी बात है? अरे यही तो समझने की बात है भैया, बरसों से गांव के लोगों के बीच काम कर रहा हूँ, फिर भी उनके विचार तौर तरीके रहन सहन इसमें कुछ खास फर्क नजर नहीं आता। तो फिर इसमें दोष किसका है? दोष? दोष? दोष तुम्हारा? मेरा? हम सबका? अपने जीवन के दुख दर्द का काफी दोष हमारा, झूठे बंधन बेड़ी बांध के खुद को हमने मारा। आसपास की दुनिया बदली, बदला जमाना सारा, बदले नहीं तो हम ही न बदले ये दुर्भाग्य हमारा। हाँ ये तो सचमुच चिंता की बात है, लेकिन तुम्हारी तो सिर्फ चिंता है, मेरी तो चिता सुलग रही है। वो कैसे? हमें आम लोगों के जीवन का नाटक चाहिए। और तुम हो आम आदमी, भाई हमारी मदद करो। आम आदमी के जीवन का नाटक करना चाहते हो तो आम आदमी के जीवन को नजदीक से देखो समझो। अच्छा
जयराम जी की। अरे, अरे सुनो सुनो भाई, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मैं गांव जा रहा हूँ। चलो हम भी जाते, शायद हमारी समस्या वही हल हो जाए, वही मिल जाए हमें आम लोगों के जीवन का नाटक यानी तमाशा। ट्रैक्टर आया, बिजली आई, कार खटारे आए, दुनिया बदली पर लोगों के दिल बदल न पाए। सागर की गहराई नापी, चांद पे होकर आए, जादू टोना अंधविश्वास की बेड़ी तोड़ न पाए। जमाना इतना आगे बढ़ गया है, फिर भी लोगों में अभी तक अंधविश्वास और अज्ञान क्यों, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल तुम्हारे खेल की तरह। अरे राजा गए, राजा शाही गई, लोकशाही आई, फिर भी तुम्हारे खेल का नायक बदला नहीं। तुम बदले नहीं, अरे अभी भी राजा रानी की पूंछ पकड़े बैठे हो। अरे भाई तुम्हारी तो ये बात मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, मुझे ढूंढना है मेरा खेल और मेरे खेल के पात्र। आ गए ना वही लौट कर। अरे वो देखो विठोबा का घर, शायद तुम्हारे खेल के पात्र तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। चलो चलते हैं। चलो तो सारा शरीर जल रहा है, वो राक्षसों ने न जाने किससे मूठ कराई। अरे फिर वही मूठ, फिर वही नजर। जा मेरा जोड़ा ला दे, मैं इसे शहर के डॉक्टर के पास ले जाऊं। लो इसमें तुम्हारा डॉक्टर क्या करेगा, उल्टी सीधे तावीजों की धूल खाक चाय वाय में मिला मिलाकर तुम्हारे भाई भाभी ने इसके ये हालत बना रखी है। तू क्यों गंदा तावीज की रट लगा के बैठी है रे? मैं रट लगाए बैठी हूँ? नहीं तो क्या? जब से लड़का हमारे घर में हुआ है तुम्हारे भाई भाभी के दिल में तो अंधेरा छा गया, और तुम्हारे भाभी की नजर हरे भरे पेड़ को सुखा दे। ए, कैसी बातें कर रही है तू रुक्मिणी, कोई सुने तो क्या कहे? सुने तो सुने मेरी बला से। वो मास्टर क्या आया गाँव में, तुम तो पूरे के पूरे नास्तिक होते जा रहे हो रुक्मिणी। अरे इसे चार दिन से बुखार है, चार दिन से गंडे कराए, ताबीज कराई, मंदिर के महारे से धूप भी जलाए, तो भी इसका बुखार उतरा। अब तो मैं इसे डॉक्टर के पास ही ले जाऊंगा। तो मेरी भी सुन लो, आज सविता चाची ने बताया पास वाले गांव में पीर आया है, तुम्हारे भाभी की लगी नजर मैं वही उतरवाऊंगी। चाची ने कहा तो तुम मान गई, और शिवराम मास्टर जी ने कहा कि इसे डॉक्टर को दिखाओ, तो उसकी कोई कदर नहीं। कल का छोकरा हूँ मास्टर, मैं तो सविता चाची के साथ इसे पीर के पास ले जा रही हूँ। पीर के पास जाना है तो तू अकेली जा, मैं तो इसे डॉक्टर के पास ही ले जाऊंगा। अरे 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 अरे, इस बच्चे की हालत सचमुच खराब है। यह किसकी हालत ठीक है, भाई भाई पर शक करे, लोग सुनी सुनाई झूठी बातें मान ले, तावीज और नजर जैसी बातें पर विश्वास कर ले, तो इनका जीवन कैसे सुधरेगा? अरे पर इसके इलाज क्या है? इलाज है शिक्षा और ज्ञान, लेकिन इसकी गोलियां नहीं होती। नहीं होती। चुपे। चलो चलो हम विठोबा की बीवी को समझाते। चलो। वाह वाह क्या बात है, तुमने समझाया और वो समझ गई। अरे भाई ये बात इतनी आसान होती तो वो कब के समझ गए होते। अरे तो तुम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हो या घास काट रहे हो? अरे मेरे भोले राजा, सदियों से उनकी रगों में अंधश्रद्धा और जादू टोना का जहर फैल गया है, उसे एकदम निकाल फेंकने की कोई मशीन अब तक नहीं बनी। बहुत गंभीर परिस्थिति है। वैसे अब फिर भी थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, जब मैं पहले यहाँ आया था तो इससे भी गंभीर परिस्थिति थी। वो कैसे? अपने विठोबा के बड़े भाई नामदेव है ना, उनकी हालत भी कुछ ऐसे ही थी।
क्या बताया महाराज ने? उन्होंने बताया कि ये सब बिट्टू और उसकी बीबी की ही कारस्थानी है, मुनि की नजर लग गई है। हाँ रे, अरे ये तुम्हारा भाई है या दुश्मन? हमारे घर जब से गाय आई है तभी से जैसे उन दोनों के दिल में आग लग गई है। ये ले, गाय के गले में बांध दे, महाराज ने बहुत मेहनत करके बना के दिया है। कितनी अच्छी थी हमारी गाय, मगर तुम्हारे भाई और भाभी को अच्छा लगे तब ना। जब मैंने महाराज को बताया कि पहले गाय ने दूध देना बंद किया, फिर उसके थनों से खून निकलने लगा, तब महाराज की आंखें लाल लाल हो गई। फिर उन्होंने जोर से मंत्र पढ़े। काल उठ, जाग 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 वेताल, जाग 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 भैरव, जाग 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 भैरव, जाग जाग जाग। और उन्होंने कहा कि ये काला जादू है, तुम्हारे आप किसी आपने नहीं ही किया है। हाय, बांझ रहे तेरी भाभी, कीड़े पड़े तेरे भाई को। चलो, किसी बहाने उस गरीब की गाय तो बच गई। अरे भैया कहाँ बच गई, दिनों दिन सूखते सूखते कांटा हो गई और मर गई। मर गई तो तुम क्या कर रहे थे? अरे भला मैं क्या कर सकता था? तो फिर और कौन करेगा? खुद ये लोग। ये लोग, ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। तुम फिजूल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अरे भैया इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा? लोग नहीं बदलेंगे ये मैं नहीं मानता। हाँ एकदम नहीं बदल सकते, मगर धीरे धीरे जरूर बदलेंगे। अरे वो देखो, विठोबा अपने लड़के को लेकर अस्पताल जा रहा है। अरे हाँ सचमुच, चलो हम भी वहीं चलते हैं। चलो चलते हैं। विठोबा जी, बच्चा 4 दिन से बीमार है, तुम अभी आए हो? जी देखो बच्चे की हालत बहुत खराब है, डबल निमोनिया हो गया, मैंने इंजेक्शन दे दिया, तुम बड़े दवाखाने में चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो मैं पूरी कोशिश करूंगा। जी बेचारा विठोबा, क्या ज्ञान और अंधविश्वास का मारा। मास्टर जी, ओ मास्टर जी। अरे कौन है ये लोग? अरे मौसी जी तुम, और साथ में ये ग्वालन। मास्टर जी ये ग्वालन आपका आभार मानने आई है। मेरा आभार? वो किस लिए? क्यों मास्टर जी, आप भूल गए, मेरी भैंस बीमार थी ना। अरे हाँ, मगर कैसी है वो? डॉक्टर का इलाज किया, ठीक हो गई। मास्टर जी आप ठीक कहते थे, नजर हो या जादू हमारा वहम है। आदमी हो या जानवर हो, उनके शरीर में खराबी होती है, इसीलिए समय पर डॉक्टरी इलाज कराना चाहिए। वाह मौसी वाह, युग बदलेगा, लोग बदलेंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों से मेरे आशाओं को नया जीवन मिलता है। आओ मिलकर नए दौर का नया तराना गाए, नई सुबह की आशा लेकर सूरज नए उगाए। बदले रंग जमाना है, बदले हर अफसाना है, नई सोच का जोर लगाकर नव इतिहास बनाए। We'll be right back.